डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड व्हाट इज कोलिजन डोमेन ऑफ वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है और ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कोलिजन डोमेन क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है और डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस की क्या कोलिजन डोमेन है, क्या ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस की कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में पता लगाएंगे। रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच एंड राउटर। तो आपको सारे के सारे जो मेन मेन डिवाइसेस हैं उनके बारे में यहां पे कवर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार कोलिजन डोमेन का मतलब क्या है। तो देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक तरह से टेरिटरी, रेंज की कितनी एरिया तक हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहां पर, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे आपको ना आइडिया नहीं होगा कि यार रिपीटर के केस में मैंने क्या लिखा है कि कोलिजन डोमेन में कोई चेंज नहीं है। मतलब जो कोलिजन डोमेन पहले थी वो अब एज इट इज रहेगी, ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी कोई चेंज नहीं है। बट अभी क्लियर कुछ भी नहीं हो रहा होगा आपको, ये गारंटी है। तो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से मेरे पास एक लिंक है, शेयर्ड लिंक है और उसमें डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है। जैसे आपने बस टोपोलॉजी जो है वो देखी होगी, तो बस टोपोलॉजी में आपको इस तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड लगे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इतने सारे डिवाइसेस हैं, ये सारे जो सर्कल आपको दिख रहे हैं एक तरह से डिवाइसेस हैं जो इस मीडिया को शेयर्ड तरीके से यूज करने हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले कोलिजन की, कोलिजन का मतलब क्या है कि ये ऑब्वियसली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लैन की। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम यहां पे इंटरनेट की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे लैन की बात कर रहे हैं। और इन चारों डिवाइसेस की अगर हम बात करें, रिपीटर, हब, ब्रिज एंड स्विच, अप टू ये चारों डिवाइसेस जो है वो लैन के अंदर हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो यहां पे इन सारे डिवाइसेस में अगर हम कोलिजन डोमेन चेक करें तो मतलब क्या बना कोलिजन डोमेन का, कि लेट से एक डिवाइस है ए, अब ए डिवाइस ने कोई मैसेज भेजा इस मीडिया पे, अगर उसी टाइम पे बाकी डिवाइसेस ने भी भेजा तो क्या मैसेज कोलाइड होगा, ऑब्वियसली होगा। और अगर मेरे पास यहां पे टोटल एन नंबर ऑफ डिवाइसेस है तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सारे एन ने एक बार में डेटा ट्रांसमिट किया और सारे के सारा मैसेज जो है वो कोलाइड हो गया। तो यानी इस पूरे डोमेन में कितने डिवाइसेस आपस में कोलाइड हो रहे हैं, सारे के सारे, मतलब एन नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है ना। तो वर्स्ट केस में कोलिजन जो है वो मैक्सिमम आपकी एन हो सकती है क्योंकि एन नंबर ऑफ डिवाइसेस है। ऐसे ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, इसको समझो पहले कि कोलिजन का मतलब क्या है, कोलिजन डोमेन का मतलब क्या है। तो कोलिजन में दोबारा आपको बता दूं कि अगर ए ने मैसेज भेजा, उसी टाइम पे बी ने भेजा, सी ने भेजा, डी ने भेजा, सारों ने अगर मैसेज भेज दिया तो ऑब्वियसली वो डेटा जो है वो ट्रेवल तो एक ही मीडिया, मेरे पास शेयर्ड मीडिया, तो सारे के सारे का डेटा जो है वो क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा। तो यानी मैक्सिमम कोलिजन डोमेन मेरी एन हो जाएगी, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्ट में हमें पता ही है लैन के अंदर होता क्या है, कि अगर ए ने मैसेज भेजा, ए ने कोई मैसेज भेजा, वो मैसेज बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, मतलब सारे डिवाइसेस के पास जाएगा। बाय डिफॉल्ट सारे मैसेजेस के पास, सारे डिवाइसेस के पास वो मैसेज जाएगा और सारे के सारे उस मैसेज को रिसीव करेंगे। लेकिन जिसके केस में, मतलब जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, उस डेस्टिनेशन वाला वो मैसेज जो है वो रिसीव करके रिस्पॉन्ड कर देगा, बाकी उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि अगर ए ने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा तो क्या वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सबके पास जाएगा, जाएगा। तो यानी ब्रॉडकास्ट डोमेन भी आपकी कितनी हो गई, एन, क्योंकि मैसेज सबके पास जा रहा है। ये क्लियर होगी ना कहानी, अब आपको इजीली सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हम देखो, बाय डिफॉल्ट हमने कोई भी डिवाइस नहीं लगाया था तो हमें पता है कि वर्स्ट केस में कोलिजन डोमेन एन हो सकती है और ब्रॉडकास्ट भी मेरी एन हो सकती है। तो अगर हम लेट से सबसे पहले डिवाइस को पिक करते हैं, रिपीटर को, मैंने लेट से यहां पे
रिपीटर लगाया, मैंने लेट से यहाँ पे रिपीटर लगाया, मतलब यहाँ से मैंने ये थोड़ा सा एरिया कट करके और मैंने यहाँ पे क्या लगाया, रिपीटर लगा दिया, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से लेके चलो, हमने क्या किया, बीच में वायर कट करके और रिपीटर लगा दिया। अब बाकी की कहानी एज इट इज है, बस वायर को बीच में से कट किया और बीच में रिपीटर लगा दिया। अब मेरे को बताओ कि क्या कोलिजन में कोई फर्क पड़ेगा और क्या ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। रीजन, रिपीटर इज व्हाट इट इज, जस्ट टू एम्पलीफाई, जस्ट टू बूस्ट द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। इसका काम सिर्फ क्या है, उसको बूस्ट करना एनर्जी को, ना तो इसके अंदर कोई बफर है, ना कोई ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज कर रहा, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक डिवाइस है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को अप कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं दोबारा से बोलूं कि ए ने अगर मैसेज भेजा उसी टाइम पे बी सी डी सब ने अगर मैसेज भेजा तो क्या डेटा अभी भी कोलाइड हो सकता है सबका? Yes, अभी भी सेम एज इट इज कोलिजन हो सकती है, रिपीटर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा, ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें कि ए ने अगर मैसेज भेजा तो क्या वो बी सी डी ई एफ इन सबके पास जाएगा, सारों के पास जाएगा? Yes, अभी भी वो सभी के पास जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रिपीटर लगाने से कोलिजन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रॉडकास्ट डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने लिखा है नो चेंज, नो चेंज। अब लेट से हम लोग यहां पे सपोज करो कि यार ये रिपीटर की जगह ना, ये रिपीटर की जगह मैंने यहां पे क्या लगा दिया, दूसरा डिवाइस। दूसरा डिवाइस कौन सा है मेरा? हब। दूसरा डिवाइस कौन सा है मेरा? हब। अब मैंने क्या लगा दिया, हब इन दोनों के बीच में। अब बताओ कि क्या कोई फर्क पड़ेगा कोलिजन में या फिर ब्रॉडकास्ट की रेंज में, डोमेन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हब क्या है, एक तरह से जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास यहां पे दो पोर्ट थे, हमारे पास दो पोर्ट थे रिपीटर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पोर्ट। तो ये मल्टी पोर्ट का मतलब क्या है, अब यहां पे मेरे पास दो से ज्यादा पोर्ट हो गए, लेकिन फंडा वही है, ये भी लेयर वन का ही डिवाइस है। तो यानी हब लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी अगर ए ने मैसेज भेजा, बी ने, सी ने, डी ने, अभी भी अगर आता है कोई भी मैसेज हब के ऊपर आते हैं तो वो सारे के सारे मैसेज आपस में कोलाइड हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी आपकी मैक्सिमम वर्स्ट केस में एन हो सकती है कोलिजन डोमेन, मतलब सारे के सारे आपस में कोलाइड होंगे। और ब्रॉडकास्ट की बात करें तो अगर ए ने मैसेज भेजा तो वो सबके पास जाएगा, हाँ, हब भी कोई फर्क नहीं डालेगा, वो भी ऑब्वियसली सबके पास दोबारा से मैसेज भेजेगा। तो यानी अभी भी कोलिजन डोमेन एन है और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी एन है, इसीलिए नो चेंज, नो चेंज। देन ब्रिज, अब हम क्या लगा रहे हैं यहां पे, ब्रिज लगा रहे हैं। ब्रिज लगाने का मतलब क्या है, ब्रिज लगाने का मतलब है कि अब मैं लेयर टू का डिवाइस यूज कर रहा हूं, क्योंकि ब्रिज इज व्हाट, लेयर टू डिवाइस, मतलब ये डिफरेंट लेंस को, अगर मेरे पास दो अलग अलग लेंस है उनको मुझे कनेक्ट करवाना है बट लेंस सिमिलर काइंड की होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रिज को। तो ब्रिज को जब हमने कनेक्ट किया तो अब देखो कि क्या कोलिजन के अंदर फर्क पड़ा या ब्रॉडकास्ट के अंदर फर्क पड़ा। तो देखो सबसे पहले कोलिजन, कोलिजन में लेट से मेरे पास यहां पे एक डिवाइस ले लो आप, नाम ले लो ई। अब देखो ए ने अगर कोई मैसेज भेजा, ए ने कोई मैसेज भेजा, बी ने कोई मैसेज भेजा, सी ने भेजा, तो वो तो आपस में कोलाइड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ए ने कोई मैसेज भेजा इधर से, लेट से ए ने कोई मैसेज भेजा, वो ब्रिज के पास आ गया, इधर से ई ने भी मैसेज भेजा, वो मैसेज भी ब्रिज के पास आ गया, तो क्या ए का और ई का मैसेज दोनों में कोलाइड होगा, दोनों में कोलिजन होगा? नहीं, अब कोलिजन नहीं होगा। रीजन उसका क्या है कि जो ब्रिज है वो क्या यूज करता है, वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज करता है। इसके पास जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक है, मतलब अपना बफर है जिसमें वो ए का मैसेज स्टोर कर लेगा क्यू में और ई का मैसेज भी स्टोर कर लेगा और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, जो भी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अब यहां पे इन डिवाइसेस में कोलिजन हो सकती है, यस, इन डिवाइसेस में कोलिजन हो सकती है, हो सकती है, लेकिन आपस में इन दोनों के अंदर कोलिजन नहीं होगी, क्योंकि इधर से कोई मैसेज गया तो ब्रिज ने अपने पास रख लिया, इधर से कोई मैसेज आया ब्रिज ने अपने पास रख लिया, ब्रिज ने उन दोनों मैसेजेस को कोलाइड नहीं होने दिया। तो एक तरह से ब्रिज ने कोलिजन डोमेन को डिवाइड कर दिया, मतलब इधर वाले आपस में कोलाइड हो सकते हैं, इधर वाले आपस में, लेकिन सारे के सारे आपस में कोलाइड नहीं होंगे। तो इसीलिए
कोलिजन डोमेन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिज अगर कोई मैसेज आता है ए से और वो मैसेज अब ब्रॉडकास्ट की मतलब सबको जाएगा, तो ब्रिज उस मैसेज को रोकेगा नहीं, वो इस तरफ भी भेज देगा, इस तरफ तो ऑब्वियसली जाएगा ही, तो अभी भी वो मैसेज सबके पास जाएगा, क्योंकि लैन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब है कि सबके पास वो मैसेज पहुंच जाए, तो इसीलिए ब्रॉडकास्ट डोमेन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। देन स्विच, स्विच भी सेम वही फंडा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ब्रिज और स्विच में क्या डिफरेंस है, ब्रिज जो है वो दो पोर्ट वाला डिवाइस होता है और स्विच के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, दैट्स इट। बाकी की कहानी सेम है, ये भी लेयर टू का ही डिवाइस है, ये भी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होती है इसमें, ये भी मैक एड्रेस के ऊपर काम करता है और इसका भी पर्पस यही है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, बफर है, इधर से कोई मैसेज आया और इधर से मैसेज आया, आपस में कोलाइड नहीं होगा, तो कोलिजन को तो कम कर दिया लेकिन ब्रॉडकास्ट अभी भी एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये भी लेयर टू का ही डिवाइस है, डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस चेक करेगा और जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज हुआ, ब्रॉडकास्ट मैसेज जिसके डेस्टिनेशन में FFF मतलब 1111 होगा, तो अभी भी वो मैसेज सबके पास ही रिसीव होगा। तो कोलिजन डोमेन तो कम कर दी लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन में कोई चेंज नहीं है। अब आ गया जी हमारा राउटर, विच इज द स्मार्टेस्ट, मतलब आप कह सकते हो इन सारे डिवाइसेस में से सबसे स्मार्ट कौन सा है, राउटर। आपका पूरा इंटरनेट जो है वो इस डिवाइस के ऊपर ही खड़ा है, तो अगर हम राउटर की बात करें तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, अगर मुझे दो डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करना है तो वहां पे मैं क्या यूज करता हूं, राउटर। और राउटर के अंदर हमारे पास कोलिजन तो रिड्यूस होएगी, क्योंकि जब उसके छोटे वाले डिवाइसेस ने रिड्यूस कर दी तो राउटर तो बाय डिफॉल्ट रिड्यूस करेगा ही, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी रिड्यूस कर देगा, ब्रॉडकास्ट को भी रिड्यूस कर देगा। कैसे, जैसे लेट्स से एक मेरे पास लैन वन यहां पे है और बीच में राउटर लगा हुआ है और ये एक लैन टू है, ठीक है ना, तो लैन वन से कोई भी अगर लेट्स से ये मेरा लैन वन है, लैन वन से कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आया तो वो लैन वन के सारे डिवाइसेस में तो जाएगा लेकिन वो इस नेटवर्क को पार नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लैन टू में भी सबके पास पहुंच जाएगा, नहीं, वो सिर्फ अपने नेटवर्क में सबके पास जाएगा लेकिन दूसरे नेटवर्क में वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि राउटर जो है वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस या फिर लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर वर्क करता है। अगर लिमिटेड हुआ तो लिमिटेड के केस में वो अपने नेटवर्क में सबको भेज देगा और अगर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हुआ तो वो दूसरे नेटवर्क के सबको भेज देगा, तो उसके पास इतनी इंटेलिजेंस है कि वो मेजर कर सकता है कि यार ये ब्रॉडकास्ट मैसेज किस टाइप का है। तो ये मेजर जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं डिवाइसेस के बेस पे कि कोलिजन डोमेन किसने कम की या ब्रॉडकास्ट डोमेन किसने कम की। और इसके बाद लेयर, ये तो राउटर तो लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर तक होता है, इसके बाद एक और भी इसका हायर डिवाइस है, दैट इज अ गेटवे, जो कि एक ऊपर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करता है। वो दो डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स को मतलब दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अगर वर्क कर रही हैं, एक में लेट्स से आईपी नेटवर्क काम कर रहा है, दूसरे में फाइबर चैनल या एटीएम नेटवर्क काम कर रहा है, तो बीच में वो ट्रांसलेटर का वर्क कर रहा है, तो उसमें भी आपका कोलिजन डोमेन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो तो उससे भी ऊपर का होगा ना। जब छोटा डिवाइस वो काम कर रहा है तो बड़ा डिवाइस ऑब्वियसली वो काम करेगा ही, जैसे कार वगैरह होती है, कार के अंदर जो हमारा एक बेस मॉडल होता है, जो चीजें हमारे बेस मॉडल में मिलती हैं वो ऑब्वियसली टॉप मॉडल में तो मिलेंगी लेकिन टॉप में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, तो वही चीज यहां है कि जैसे से आप नीचे जा रहे हो आप ऊपर वाले अपर डिवाइसेस में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सारी फंक्शनैलिटीज तो मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। थैंक यू।